आपके भरोसे पर खरे उतर कर। हमने पूरे किए हैं 3 साल। आपका क्षेत्र, आपके मुद्दे, हम बने हैं आपकी आवाज। सटीक खबरें, बेबाक अंदाज, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टीवी। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। रविवार को नवीन कृषि उपज मंडी में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 53 जोड़ों की शादियां संपन्न हुई, जहां 3 जोड़ों का निकाह करवाया गया। इसमें 43 जोड़े जनपद पंचायत के तो वहीं 7 जोड़े नगर पालिका क्षेत्र के शामिल थे। प्रशासन के द्वारा जोड़ों को गृहस्थी सम्मान के साथ 11,000 रुपए के चेक दिए गए। आयोजन में पानी की खास व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई। रविवार को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 53 जोड़ों ने 7 फेरे लिए, वहीं 3 जोड़ों का निकाह भी संपन्न करवाया गया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की पूरी व्यवस्था प्रशासन के हाथों। आयोजन के बाद वर वधु को गृहस्थी का 7 प्रकार का सम्मान, जिसमें कलर टीवी, पलंग, विस्तार, पंखा, आभूषण भी दिए गए। बर्तन साथ में 11,000 का चेक भी वर वधु को दिया गया। वहीं परिवार वालों के लिए भी खाने का इंतजाम प्रशासन के द्वारा किया गया था। पानी की भरपूर व्यवस्था देखी गई। पूरे परिसर में टैंकरों से पानी की व्यवस्था की गई। पूरे आयोजन में मौसम में ठंडक भी रही। सभी ने ऐसे आयोजन पर खुशी जाहिर की। बता दें कि शहर में नगर पालिका और पंचायत चुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। इसमें चुनाव आयोग ने कुछ शर्तों पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना संपन्न कराने की अनुमति दी थी, जिसमें प्रशासन ने इस आयोजन में खास इंतजाम करते हुए 53 जोड़ों की शादी संपन्न कराई। विदिशा जिला ब्यूरो मुकेश चतुर्वेदी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई, सब अच्छी व्यवस्था है। आप संतुष्ट हैं? हाँ। कहाँ से आप? ग्राम बिसनपुर से। आयोजन रहा है किस तरह रहा? और आयोजन तो आपका बहुत अच्छा रहा, मतलब बहुत ही आराम रहा, बहुत ही संतुष्टि मिली। मेरा नाम अजय, मैं दीवानगंज से हूँ। और बाकी जो आपका कार्यक्रम रहा ना, बहुत ही अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा रहा। 11 से 10। और आज जो कन्यादान योजना थी, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग, बढ़िया व्यवस्था है। कैसा लग रहा है और किस तरह की तैयारी रही है? जी, मैं दुर्गेश अहरवार, एक मिनट दादा, दुर्गेश अहरवार ग्राम रोजरू से आया हूँ। बढ़िया व्यवस्था है यहाँ, बढ़िया व्यवस्था है जी सर। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।